आज इस वीडियो में हम सीखेंगे गूगल क्लासरूम का ट्यूटोरियल। तो गूगल क्लासरूम क्या है, ये ऐप कैसे काम करती है, कौन कौन सी नई फीचर्स इसमें गूगल ने ऐड ऑन किए हैं, इन सारी फीचर्स के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो गूगल क्लासरूम ऐप एक ऑल इन वन प्लेस है जहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स का बेहतरीन कोलैबोरेशन होता है। और अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो फाइल शेयरिंग, कम्युनिकेशन, मैसेजिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी पॉसिबल हैं। तो फिर गूगल क्लासरूम क्यों? तो गूगल क्लासरूम हमें कम्युनिकेशन, फाइल शेयरिंग, ये सारी चीज़ें तो अलाउ करता ही है, प्लस इसके साथ में असाइनमेंट्स बनाना, ग्रेडिंग करना, क्वेश्चन पेपर्स बनाना, क्विज़ बनाना, प्लस हर एक बच्चे का सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना। इसके अलावा भी बहुत सारी गूगल क्लासरूम आपको फीचर्स देता है एक बेस्ट वर्चुअल क्लास मेंटेन करने में। तो चलिए देखते हैं गूगल क्लासरूम के साथ में कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्लासरूम ऐप को इंस्टॉल करना होगा। आपको ये वाली ऐप गूगल प्ले स्टोर पर बहुत आसानी से मिल सकती है। तो इंस्टॉल करने के बाद में आपका इंटरनेट एक्टिव होना चाहिए। और हालांकि आज के डेट में गूगल क्लासरूम ने बहुत सारी फीचर्स हमें ऑफलाइन भी दी है, यानी ऑफलाइन रह के भी अपना स्टूडेंट्स अपना काम कर सकते हैं, टीचर्स भी अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्लासरूम पे टैप करना है। उसके बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट स्विच करना होगा। तो यहाँ मैंने बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए दो अकाउंट्स लिए हैं, एक टीचर का और एक स्टूडेंट का। तो इन दोनों अकाउंट्स को स्विच कर करके हम देखेंगे कौन कौन सी ड्यूटीज़, कौन कौन से ऑप्शंस और फीचर्स हमारे टीचर्स के लिए होंगे और कौन कौन से फीचर्स हमारे स्टूडेंट के लिए होंगे। तो सबसे पहले मैंने स्विच कर रखा है टीचर वाले अकाउंट को। तो देखते हैं यहाँ पे टीचर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी। एक नई क्लास को क्रिएट करना, प्लस उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐड करना, क्लास वर्क असाइन करना, क्वेश्चन पेपर, क्विज़ वगैरह ये सब शेयर करना। तो जैसे आप प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, दो ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, क्रिएट क्लास एंड जॉइन क्लास। तो अगर आप टीचर हैं तो सबसे पहले आपको क्रिएट क्लास करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर जॉइन क्लास कर सकते हैं। तो ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर टीचर अकाउंट को स्विच किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे टैप कर दूँगी। यहाँ पे आपको क्लास की अपनी जनरल डिटेल्स डालनी होंगी। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया क्लास 8, सेक्शन ए बी सी आप जो चाहें इसमें डाल सकते हैं। रूम एक मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, सब्जेक्ट आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फिज़िक्स डाल दिया, या फिर एक कॉमन ऑप्शन डाल देते हैं हम साइंस। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एक जर्नल इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको क्रिएट पर टैप करना है। तो क्रिएट बटन पर टैप करने के बाद विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी क्लास तैयार हो गई है। अब क्लास तो हमारी तैयार है, हमारी एक स्ट्रक्चर क्लास का तैयार हो गया है। तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को उसमें ऐड करना होगा। तो स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर टीचर के पास में दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो लिंक के थ्रू इनवाइट करना, दूसरा क्लास कोड के थ्रू इनवाइट करना। तो टीचर चाहे तो अपने स्टूडेंट्स को लिंक से भी इनवाइट कर सकता है और कोड से भी। तो इस सेटिंग बटन पर टैप करने के बाद में आपको कुछ ऑप्शंस आपकी क्लास के जर्नल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखेगी। देखिए दो ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, एक तो क्लास कोड और एक नीचे इनवाइट लिंक। आप चाहे तो इस शेयर बटन पर क्लिक करके इस लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप या कोई भी मैसेंजर के थ्रू आप लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल लॉन्ग टैप कर दिया क्लास कोड पर और इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। एक नीचे नोटिफिकेशन आ गया कॉपीड क्लास कोड, इसका मतलब अब हमारे पास में क्लास कोड है, हम इसको शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में। तो जितने भी स्टूडेंट्स के साथ में हम ये कोड शेयर करेंगे वो स्टूडेंट्स डायरेक्ट हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन हमें और मिलता है, अगर हम इन थ्री डॉट्स पर टैप करेंगे, डिसेबल इनवाइट कोड्स एंड रीसेट इनवाइट कोड्स। डिसेबल इनवाइट कोड्स आप तब कर सकते हैं जब आप ये चाहते हैं कि इस कोड का कोई अननेसेसरीली यूज़ ना करें। फॉर एग्जांपल आपके स्टूडेंट्स का आपने अपना कोड शेयर किया लेकिन कुछ बच्चों ने एक्सटर्नल लोगों को ये कोड शेयर कर दिया, तो वो लोग भी आपकी क्लास ज्वाइन कर सकते होंगे। तो इसलिए आपको लगता है कि आपकी क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं, तो 26 स्टूडेंट्स के बाद में आप इसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, तो एक तरह से आपकी क्लास लॉक हो जाएगी। दूसरा है रीसेट इनसाइड कोड्स। रीसेट का मतलब ये है आप क्लास कोड रखना तो चाहते हैं लेकिन बदलना चाहते हैं,
वो प्राइवेसी कंसर्न या कुछ भी कंसर्न हो सकता है, तो आप यहाँ से इसको रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोज़ बटन पे हम टैप करेंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास में क्लास तो रेडी है, तो स्टूडेंट्स को अब हमें कोड शेयर करना है। कोड शेयर करने के लिए आप चाहें तो व्हाट्सअप या जो भी आप यूज़ करते हैं, यहाँ मैंने अकाउंट लॉन्ग टैप किया और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो देखिए हमारे क्लास का कोड व्हाट्सअप ग्रुप या जो भी आपका स्टूडेंट का ग्रुप बना हुआ है वहाँ चला गया। बच्चे बस इस कोड को कॉपी करेंगे, अपने गूगल क्लासरूम में पेस्ट करेंगे एंड दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू अ गूगल क्लासरूम क्लास। ठीक है, तो ये वाला टीचर का काम था कि टीचर ने अपनी क्लास बना ली, कोड शेयर कर दिया या लिंक के थ्रू भी बच्चों को इनवाइट किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स की क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, तो टैप करते हैं और स्विच करते हैं अपने स्टूडेंट वाले अकाउंट को यहाँ से। तो स्टूडेंट के अकाउंट में क्या क्या ऑप्शंस होंगे, एक स्टूडेंट क्लास से कैसे ज्वाइन होगा देखते हैं। तो जैसे ही मैंने प्लस आइकॉन पे क्लिक किया, एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, आस्क योर टीचर फॉर द क्लास कोड। क्लास कोड जस्ट मैंने अभी शेयर किया, तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग टैप किया और पेस्ट कर दिया क्योंकि क्लास कोड अभी भी मेरे क्लिपबोर्ड में था। तो कोड डालने के बाद बस बच्चों को यहाँ पे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे कि क्लास 8th से स्टूडेंट हमारा ज्वाइन हो चुका है। तो ये तो था एक टीचर ने कैसे क्लास को बनाया और कोड शेयर किया स्टूडेंट से, और स्टूडेंट ने कैसे ही उस कोड के ज़रिए एक क्लासरूम को ज्वाइन किया है। अब बात होती है आगे की कि क्लासरूम कैसे कंडक्ट होगी, क्लासेस कैसे कंडक्ट होंगी, क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलेंगे। तो उसके लिए हम स्विच करते हैं दोबारा अपना टीचर वाला अकाउंट। क्लास तो है और हमारे पास में देखिए फ़ौरन एक नोटिफिकेशन यहाँ मिल गया, वन स्टूडेंट, तो ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी आपको मेंशन करता रहेगा। तो मैंने इस वाले क्लास पर टैप कर दिया, यानी एक टीचर मल्टीपल क्लासेस भी बना सकता है जहाँ जहाँ जिस क्लासेस में जिस जिस सब्जेक्ट की वो क्लासेस लेता है। तो जैसे ही हम देखेंगे तो इस वाली स्क्रीन पर देखिए एक नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लास वर्क। क्लास वर्क पर जैसे ही मैंने टैप किया तो एक प्लस आइकॉन आ रहा है। प्लस आइकॉन पर टैप करने के बाद ये कह रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर क्लास वर्क, मींस इफ़ यू वांट टू सेंड अ असाइनमेंट, अगर आपको एक असाइनमेंट सेंड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू क्रिएट और सेंड अ क्वेश्चन पेपर देन यू कैन सेंड फ्रॉम हियर। और नॉर्मल क्लासेस में क्या होता है कि टीचर कुछ ना कुछ मटेरियल देता है बच्चों को पढ़ने के लिए, या फिर कोई नोट्स हो सकते हैं या किसी भी टॉपिक की कोई डिटेल हो सकती है। इसमें एक ऑप्शन हमारे पास में रीयूज़ पोस्ट का भी है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पोस्ट कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन अभी हम नहीं कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर मटेरियल से। मटेरियल मुझे सेंड करना है क्लास 8th साइंस के पीरियड में, और मुझे टाइटल यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया थर्मल एक्सपेंशन। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोई भी अपने टॉपिक का, व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन एंड हाउ डज इट वर्क। अब हमारा क्लास वर्क की हमारी सारी डिटेल्स तो यहाँ आ गए हैं, लाइक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अब जो मेन डॉक्यूमेंट है, जो मुझे पीडीएफ फाइल या कोई स्लाइड या कोई पीपीटी या कोई स्लाइड शो जो बच्चों के साथ में शेयर करना है, वो हम कहाँ से लेंगे, तो उसके लिए आपको इस अटैचमेंट आइकॉन पर टैप करना होगा। उसके बाद भी ये आपसे पूछेगा फ्रॉम वेयर यू वांट टू शेयर योर डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास में वो डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव में है तो आप डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई लिंक देना चाहते हैं किसी वेब का तो आप यहाँ दे सकते हैं। अगर आप कोई फाइल अपने मोबाइल से अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास में टेक फ़ोटो है, इससे आप डायरेक्टली फ़ोटो लेकर अपने डिवाइस से फ़ोटो इमेज भेज सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो कोई वीडियो रिकॉर्ड करके भी सेंड कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है न्यू पीडीएफ का भी, जो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास में हार्ड कॉपीज़ मौजूद हैं या किसी आप बुक से कुछ पेपर से आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो अपनी बुक खोलकर सामने आप न्यू पीडीएफ पे क्लिक करके उन्हें स्कैन करके एज़ न्यू पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे।
तो फिलहाल मुझे क्या करना है, एक अपलोड करनी है फाइल, तो मैंने अपलोड फाइल पे टैप किया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में देखा कि क्या डॉक्यूमेंट मुझे शेयर करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैंने यहाँ पर साइंस ऑफ माइंड नाम का एक डॉक्यूमेंट है इस पर टैप किया और ये वाला डॉक्यूमेंट मुझे बच्चों के साथ में एज़ क्लास वर्क मटेरियल शेयर करना है। तो फाइनली करना क्या है, अगर आप सारे स्टूडेंट्स को भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से विद ऑल स्टूडेंट्स इसको सेंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सारे स्टूडेंट्स को नहीं, कुछ स्टूडेंट्स को भेजना है जिनको कुछ डाउट था या उनकी कुछ क्वेरीज थी, तो आप सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को भी यहाँ से अपना क्लास वर्क मटेरियल सेंड कर सकते हैं। तो अभी हम सारे स्टूडेंट्स के साथ में जाते हैं और यहाँ पे इस पर सेंड कर देते हैं। तो आपका क्लास वर्क सेंड हो चुका है, जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स थे सबके साथ में शेयर हो चुका है। आप चाहें तो इस पर टैप करके इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका टाइटल विद डिस्क्रिप्शन और एक आपका डॉक्यूमेंट भी अटैच हो गया। इसके अलावा ये तो एक टीचर का अकाउंट है, हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट इसको कैसे एक्सेस करेगा। तो स्विच कर देते हैं अपने दूसरे अकाउंट यानी स्टूडेंट वाले अकाउंट पर। तो जैसे ही बच्चे ने अपनी क्लास पर ऐड किया, टैप किया, तो यहाँ पे उसको देखिए क्लास की डिटेल के साथ में ये एक नया जो क्लास वर्क टीचर द्वारा सेंड किया गया है वो भी दिख रहा है। तो उसने जब उस पर टैप किया तो यहाँ पे विद टाइटल विद डिस्क्रिप्शन बच्चा उस वाले डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है और उसे रीड कर सकता है। तो इस वाली क्लास में हमने ये देखा कि गूगल क्लास रूम एक टीचर कैसे यूज़ करता है और एक स्टूडेंट कैसे गूगल क्लास रूम को यूज़ करता है। टीचर ने यहाँ पे सिर्फ अभी एक क्लास को बनाया है, स्टूडेंट्स के साथ में कोड शेयर किया है और उसी कोड से एक स्टूडेंट गूगल क्लास रूम से ज्वाइन हुआ है। इसके अलावा हमने ये देखा कि क्लास वर्क में अगर कोई मटेरियल टीचर को अपलोड करना है तो वो मटेरियल कैसे अपलोड करेंगे।